योग्य पद्धति ने निदान के लिए पाऊल केरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उचल तुम्हाला माहित असेल मागच्या 6 वर्षापासून मी डॉक्टर अभिषेक शिंदे एक वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ केरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आणि ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून कार्यरत आहे. मागच्या 6 वर्षामध्ये मी आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या जॉईंट रिप्लेसमेंट किंवा ऑर्थोस्कोपी किंवा ट्रॉमॅटिक सर्जरी मी वेगवेगळ्या ह्याच्या केल्या आहेत. थोडक्यात माझी सविस्तर माहिती मी मराठवाड्याचाच आणि मेडिकली प्रीडॉमिनेटली मेडिकल बॅकग्राऊंड असलेला असून म्हणजे माझे आईवडील दोन्ही याच क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे त्याचा वारसा मला लाभलेला आहे आणि सर्जन आणि ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हायची ही माझी जी इच्छा होती ती जेव्हा मी 11th 12th प्रिपरेशन करत होतो तेव्हापासून किंवा लहानपणापासूनच होती. माझं पदवीपूर्ण शिक्षण MBBS हे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद येथून झालं आणि पदव्युत्तर ऑर्थोपेडिकमधलं शिक्षण हे माझं JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई आणि BD हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई इथून झालं. त्याच्यानंतर जॉईंट रिप्लेसमेंट आणि रोबोटिक जॉईंट रिप्लेसमेंटमधलीची जी फेलोशिप आहे ती मी पुणे आणि मुंबईलासुद्धा जाऊन ऑपरेशनबद्दलची चौकशी केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या इथे ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेतला. मुळचे तुम्ही मुळचे वासनीचे सर मी डिपार्टमेंट वासनी काय झालं होतं पेशंट सर चालताना बाबाचं 65 ते 66 जवळपास चालताना बॅलन्स आलं होतं मुलाचं गुडघा हे झाला होता निकामी झाला होता आणि भरपूर ठिकाणी फिरलो एक सेकंड आणला औरंगाबादला पण दाखलो होतं आणि पुण्याला पण दाखवलं होतं मुंबईला तिथं पण दाखलं होतं. सरांचा चांगला रेफरन्स होता आणि अगोदर 1-2 पेशंटला आम्ही भेटलो सरांच्या त्यांचं 2-3 वेळेस त्या पेशंटला भेटलं त्यामुळे मला समाधान वाटलं त्या पेशंटला. त्याच्यानंतर मी सरांचं एकदा ऑपरेशन करण्याचा विचार केला सरांना भेटलो. मी म्हणजे आरोग्य विभागातच सर्विसला त्यामुळे आम्ही माझे डॉक्टरमध्ये खूप किसी बोलतो तर त्यांनी सरांचं सजेशन सांगितलं मी तर आवश्यक भेट घेतो. तुम्ही ऑपरेशन करणं ते इशूवर आलो होतो तर चेकअप सगळे आलो होतो मला चांगलं वाटलं म्हणून मी ॲडमिट होऊन गेलो. आज केरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तरफ से और मैं डॉक्टर अभिषेक शिंदे केरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक और ऑर्थोपेडिक सर्जन का सर्जरी के विभाग के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जो वजह है वो इसलिए है कि पिछले 7 साल से केरवेल हॉस्पिटल अपने औरंगाबाद में कार्यरत है बट एक जो 7 साल में केरवेल हॉस्पिटल ने जो एक टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम रखा है जिसके अंतर्गत रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा केरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक चालू हो गई है. जो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सुविधा है जिसके लिए अपने को पुणे या मुंबई जाना पड़ता था वो अभी औरंगाबाद में और जो सेंट्रल महाराष्ट्र में है वो शुरू हो गई है. जो अपनी मशीन है जो रोज़ा नाम की जो जॉइंट रिप्लेसमेंट मशीन है वो अपने पूरे इंडिया में 7th है और महाराष्ट्र में 2nd मशीन है जो USFDA अप्रूव्ड है और जिसको रोबोटिक आर्म है. रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो फ़ायदे हैं जो पेशेंट को जो फ़ायदे ये है कि उसमें जो खून बहता है वो कम हुए हॉस्पिटल का जो स्टे रहता है वो कम लगता है जो हॉस्पिटल के लिए जो चीर फाड़ करते हैं वो कम सेंटीमीटर की रहती है. हॉस्पिटल के बाद का जो मतलब ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है वो कम होता है. तो ये सारी चीज़ें ये है वो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के एडवांटेज है. सर कोई पेशेंट ऐसा किस तरह के पेशेंट का इसमें ऑपरेशन किया जाता है और इसमें खर्चा कैसा लगेगा? अच्छा डिफरेंट बेसिकली जो इसमें जो जिस पेशेंट को सांधिवात है जिस पेशेंट के घुटने उम्र के हिसाब से घिस गए हैं जिसका कुर्चा खराब हुआ है जिसको पहले हड्डी को मार लगने के वजह से घुटना टेढ़ा और घुटने में बाक आया है वो सारे पेशेंट के ऑपरेशन अपन ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं.
नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट से एक 50,000 से 60,000 का ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उसके रोबोटिक आर्म के और डिस्पोजेबल का खर्चा उतना ज़्यादा होता है। कोई स्कीम है सर? सरकारी स्कीम जॉइंट रिप्लेसमेंट फिलहाल तो कोई मतलब नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट की ये कोई सरकार की स्कीम में नहीं आता है, तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आना तो कोई पेशेंट है सर जो गरीब है उसके वास्ते आपके पास कुछ है क्या? जो पेशेंट गरीब है तो उसके वास्ते अपन कुछ एनजीओज हैं जो अपने हॉस्पिटल को चैरिटी के हिसाब से फंड अवेलेबल कर सकते हैं। पेशेंट इकोनॉमिक स्टेटस है, बेसिकली जो भी एनजीओज है वो पेशेंट को डायरेक्ट अपने नाम से जो भी है जो मदद है, जैसे अपना सलमान खान ट्रस्ट हुआ या फिर टाटा का ट्रस्ट है या फिर अपना गजानन महाराज का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के थ्रू अपन ये ऑपरेशन आप कराते हैं कि वो वहाँ से करके हम ये रिकमेंडेशन लेटर देते हैं और वो वहाँ से फिर सर ये हॉस्पिटल है कहाँ, ये एड्रेस क्या है? एड्रेस और आपका नाम बोलिए सर। मैं डॉक्टर अभिषेक शिंदे, हॉस्पिटल है महेश नगर प्लॉट नंबर 11 विद्यानिकेतन कॉलोनी महेश नगर बाईजीपुरा रोड पर। थैंक यू सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।